ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 28 अप्रैल 2022 को। मिथुन राशि और लग्न वालों को किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेंगे, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से इसी विषय पर बात करूंगी। ये प्रभाव कैसे मिलेगा आपको, किस तरह का रहेगा, ये सब चीजें बताने के पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, अभी तक क्या था, जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग थे, उन लोगों के लिए शनि की जो स्थिति थी, काफी दिक्कत में रहे होंगे आप सभी लोग। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह उतनी सपोर्टिंग नहीं रही होंगी, क्योंकि शनि आपके लग्न स्थान से अष्टम में थे और चंद्रमा से भी अगर आप देखते हैं मिथुन वाले लोग तो अष्टम स्थान में थे। तो सैटर्न जैसा ग्रह जो कि मैलिफिक प्लेनेट है, जब ये लग्न से अष्टम में आता है और चंद्रमा से अष्टम में आता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, हर्डल्स, अवरोध या चीजें अपने मन मुताबिक नहीं हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब 28 अप्रैल 2022 को जब शनि मकर से निकलेंगे और कुंभ राशि में, जो कि आपके लिए आपका भाग्य स्थान है, वहां पहुंचेंगे तो आप लोगों को शनि काफी अच्छा प्रभाव देंगे, बहुत चीजें आपकी अच्छी करेंगे, बहुत से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि अभी तक अष्टम में थी, मकर राशि में थी, हालांकि उनकी खुद की राशि थी, लेकिन भाव नहीं अच्छा था। नहीं अच्छा का मतलब कि उतना आठवां भाव कोई भौतिक प्राप्तियों का नहीं होता है, वहां से जो चीजें देखी जाती हैं वो अचानक वाली घटनाएं होती हैं। और शनि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें दिए होंगे, या आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, उसमें कुछ आपको मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हों, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। अब जब शनि आ जाएंगे यहाँ पर तो पूरा 28 अप्रैल 2022 से लेकर के 2025 तक का लगभग 2.5 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा, मिथुन वालों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपका जो समय है, बहुत अच्छी शुरुआत आपको दे सकता है, तो आप उसके अनुसार अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग करिए, जो भी आप कर सकते हैं। कैसे आपको प्रभाव देंगे शनि, क्या क्या चीजें इस टाइम पीरियड में आप लोगों को मिल सकती हैं, ये गोचर के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। सैटर्न जब आपके भाग्य भाव में रहेंगे, देखिए शनि आपके लिए अच्छे प्लेनेट कहे जाएंगे, क्योंकि मिथुन वालों के लिए सैटर्न योग कारक ग्रह होते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी चीज तो आपके भाग्य में बहुत मजबूती आपको देखने को मिलेगी। भाग्यवश जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके लिए साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग किसी भी तरह के बौद्धिक कार्यों से जुड़े हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की हायर रिसर्च इन चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शनि बहुत अधिक लाभ देंगे। आपके लिए मान सम्मान, प्राप्तियां, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें शनि लेकर के आएंगे। आप लोगों के जो पिता होंगे, जो आपके फादर वाला साइड है, वहां भी कुछ शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये शनि आपके लिए लाभ को बढ़ाएंगे। जो भी तक आपने काम किया होगा तो उन सारी चीजों में आपको आर्थिक लाभ भी शनि देंगे। तो आने वाला जो टाइम है 28 अप्रैल के बाद का, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या होगा आप लोगों के साथ में, कि शनि आप लोगों के लिए जो आपके बच्चों से संबंधित चीजें हैं, जो भी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनके मैरिज है, या उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उसमें शनि आपको शुभता वाले प्रभाव देंगे। तो बच्चों से संबंधित चीजें आपकी बढ़ेंगी, जो आपकी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो सारी चीजें बढ़ेंगी। आपको शेयर वगैरह से लाभ होना, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, या उन लोगों के लाइफ में कोई शुभता वाली अच्छी घटनाएं इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, जो लोग किसी तरह के सर्विस के लिए प्रयास कर रहे थे, जो आपके सर्विस वाला एरिया है, जहां पे आप नौकरी करते हैं, उन क्षेत्रों में भी शनि आपको काफी सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए कुछ ये प्रमोशन जैसी चीजें, या जो इंक्रीमेंट होता है, या प्रोफेशन वाले एरिया में जो आपका व्यवसाय का एरिया है, जो भी आपका कार्य है, उन चीजों में आपके शनि कुछ बढ़ोतरी करेंगे। वो सारी चीजें आपके
पोस्ट के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वहां से आपको फाइनेंशियल गेन भी मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन है, ये सारी चीजें आपको सैटर्न दिलवाएंगे। और ये जो समय रहेगा मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, आप लोग किसी तरह के नए रिश्ते में भी जा सकते हैं, कुछ लोगों को संतान से संबंधित शुभता वाली घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ लोग जो बड़े लोग हैं संतान प्राप्ति की ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं होना, बच्चों से आपको लाभ प्राप्त होना, हर एक तरफ से आपके लिए लाभ की स्थितियां सेटल निर्मित कराएंगे। इसी के साथ साथ आप लोग काफी लोगों के बीच में जाने पहचाने जाएंगे, या ये कह लीजिए कि शनि आपको कहीं ना कहीं प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हैं, आपको अपने क्षेत्र में तरक्की की जो लोगों की दृष्टि में आ जाना, मतलब कि आप इतनी प्रोग्रेस कर जाएं या आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएं, ऐसा कुछ आपका काम पूरा हो जाए या कुछ इस तरीके की चीजें आप करें जो कि आप लोगों के बीच में हाईलाइट हो जाए, ये सारे लाभ आपको शनि देंगे। तो आने वाला जो 2.5 साल का टाइम पीरियड है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव दे सकता है, क्योंकि शनि आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, और ये समय आप लोगों को गवर्नमेंट से भी लाभ दिलवा सकता है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, या उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो जाए। विशेष रूप से जो भी लोग किसी भी तरह के बौद्धिक कार्यों से जुड़े होते हैं उन सभी को बहुत लाभ देंगे शनि। इस तरीके से आपको इतना अधिक लाभ देंगे, आर्थिक लाभ इस तरीके से कराएंगे सैटर्न कि आपको ये अच्छे से एस्टेब्लिश कर देंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के मास मीडिया या जितने भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, या टूर ट्रेवल्स का व्यापार है जिन लोगों का, या जो लोग ब्रोकर का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, किसी भी तरह का स्टेशनरी से रिलेटेड काम है, उन सभी की लाइफ में शनि बहुत प्रगति वाला टाइम दिखाएंगे। आपके लिए हर तरीके से प्रोग्रेस देने का, देखने का ये समय रहेगा। हर तरीके से आपको सैटर्न एस्टेब्लिश करेंगे। पिछले 2.5 सालों में जो भी दिक्कतें रही होंगी आपके प्रोफेशन में, जो कुछ भी उतार चढ़ाव रहा होगा या जो हर्डल्स रही होंगी, वो सारी चीजें अब आने वाले 2.5 सालों में दूर होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि आप सैटर्न का जो सपोर्ट आपको ट्रांजिट में मिलने जा रहा है, उसका आप लोग अच्छी तरीके से अपने लिए लाभ ले सके, उसका इस तरीके से आप प्लान करिए, क्योंकि शनि आपको बहुत मजबूती के साथ अपनी खुद की राशि में, अपने मुद्रकोण राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए हर तरफ से लाभ लेकर के आएंगे, और ये आपके लिए आर्थिक लाभ बहुत करवाएंगे। पैसों का जो लाभ होता है, आपके नौकरी वाला जो एरिया है, जो आपके सर्विस से जुड़ा हुआ जो आपका एरिया है, वहां पर आपके लिए बहुत सफलताएं देंगे। इसी के साथ साथ ही आपके जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, आपके कार्य व्यवसाय, इन सारे क्षेत्रों में जबरदस्त सफलताएं दिलवाएंगे, बहुत लाभ के योग निर्मित कराएंगे। और यही शनि आपको आपके पार्टनर के द्वारा, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, या आपको यात्राएं भी करवाएंगे। जो भी आपकी इच्छाएं रही हो फॉरेन से रिलेटेड, या अपने कंट्री में ही कोई ट्रेवल करना, कहीं जाना, वो सारी चीजें आपको सेटल देंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए एजुकेशनल ट्रिप, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो विशेष रही होंगी या जो उन्होंने गोल बना के रखे होंगे, वो सभी सेकंड पूरा करवाएंगे। आने वाला जो 2.5 साल का टाइम पीरियड है मिथुन वालों के लिए बहुत ही लाभ लेकर के आ रहा है। आपके दोनों ही बड़े प्लैनेट शनि गुरु बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपके लिए राहु भी बहुत ही अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आने वाला जो लगभग 2.5 साल का टाइम पीरियड है, ये मिथुन राशि और लग्न वालों की लाइफ को बदलने वाला रहेगा, बदल करके रख देगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पूरी आप ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से, पूरे डेडिकेशन से अपने काम में जुट जाइए, और जो भी आपने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं उनको आप अचीव करिए, क्योंकि प्लेनेट तो अब सारे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु शनि और राहु, जो कि काफी लंबे टाइम तक रहते हैं एक राशि में, वो तीन के तीनों ही इतनी अच्छी स्थिति में रहेंगे कि आपको भरपूर लाभ देंगे। या ये कह सकते हैं आप लोग कि मिथुन वालों के लिए जो आने वाला वर्ष है 2.5 साल, ये आप लोगों की लाइफ में एक यादगार टाइम पीरियड बनके, एक अपनी याद दिला करके आप लोगों को फिर जाएगा। अगर आप लोगों की
का टाइम सही चल रहा होगा, आपकी जो महादशाएं अंतरदशाएं प्रत्यंतर अच्छी चल रही होंगी, योग कारक ग्रहों की चल रही होंगी, तो ये जो शनि आए हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर देंगे, बहुत बहुत ही लाभ देकर के आपको जाएंगे, क्योंकि 30 साल के बाद ये अपने भाग्य स्थान पे आए हैं, भाग्य के मालिक हैं आप लोगों के लिए और भाग्य स्थान पे आए हैं, जिसके बाद फिर वापस से 30 साल के बाद आएंगे सैटर्न, तो भाग्य का मालिक भाग्य स्थान पे आया है, तो ये आपको एक तरीके से एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। जिन लोगों की एज काफी होगी, करीब 45-50 के करीब या 60 भी आप मान सकते हैं, और पॉलिटिक्स में होंगे, राजनीति में होंगे, उनको बहुत सफलताएं दिलवाएगा, पॉलिटिक्स में आपको एस्टेब्लिश कर देगा। जो लोग सर्विस के फील्ड में हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत यादगार रहेगा, आपके लिए प्रमोशन, मतलब जितनी भी चीजें शुभता वाली हो सकती हैं या जो कुछ व्यक्ति का ड्रीम हो सकता है वो सारा कुछ सेकंड पूरा करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो इसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि देखिए प्लेनेट होते हैं और ये मूव करते रहते हैं, इसीलिए कोई भी लग्न राशि होती है, कभी किसी लग्न राशि का व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में रहता है और कभी उसी टाइम पीरियड में कोई दूसरे लग्न राशि का व्यक्ति थोड़ा सा मुश्किलों में रहता है, हालांकि वो नेटल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्लेनेट चूंकि घूमते रहते हैं तो वो जिस भी लग्न राशि के साथ में अच्छे योग बना लेते हैं उनको बहुत लाभ देते हैं। तो अब जो बारी है, जो नंबर आया है वो मिथुन वालों का आया है, आने वाला 2.5 साल आपको आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। जो भी चीजें आपने सोची नहीं होंगी हो सकता है वो सारी चीजें आपको शनि दे करके जाएं। तो मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के लिए कि जी जान से मेहनत करिए, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जुट जाइए, भगवान चाहेंगे तो आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि शनि बहुत देर से देते हैं, बहुत मेहनत से देते हैं, व्यक्ति को बहुत अच्छे से सिखा करके देते हैं, बहुत प्योरिफाइड करके फिर वो परिणाम देते हैं। तो अब शनि मिथुन वालों के लिए उसी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो जितना भी दे सकते हैं उससे भी कहीं अधिक आपको दे करके जाएंगे। रेमेडी के तौर पे मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपके शनि आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तब तो ये प्रभाव आपको और भी अधिक मिलेगा, और कहीं ये आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, कहीं मुश्किल में बैठे होंगे क्रूर ग्रहों के साथ या त्रिक भाव में जो मेल्फी प्लैनेट्स हैं उनके उनका एस्पेक्ट वगैरह पड़ रहा हो, या किसी भी तरीके से अगर आपके चार्ट में सेकंड वीक है तो आप लोग शनि को थोड़ा मजबूत करिएगा, उसके लिए आप शनि स्त्रोत पढ़ सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है आप गरीबों की मदद करिएगा, और शनिवार को और विशेष रूप से अमावस्या के दिन शनि से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे सरसों का तेल होता है, दाल होती है, ये सारी चीजें आप किसी को दान करिए, इससे भी शनि काफी प्रसन्न होते हैं। हालांकि ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप जो छोटा तबका होता है, गरीब लोग होते हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उन लोगों की मदद करिएगा, उससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप करिएगा और सैटर्न का लाभ लीजिए, क्योंकि शनि मिथुन वालों को भरपूर चीजें देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल इतनी चीजें मिल सकती हैं जो आपने कभी प्लानिंग ना की हो, इस तरह की स्थितियां आपको मिलेंगी आने वाले वर्षों में। आशा कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर एक बार अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और जो घंटी वाला बिल होता है, नोटिफिकेशन वाला बिल, उसको आप जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।